हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव मोबाइल में। तो आज हमारे पास एक फ़ोन है रेडमी का, रेडमी 8। और अगर आपके पास रेडमी 8, 8, 8 ड्यूअल तीनों अगर सेम ही मॉडल्स है, अगर आपके पास में आता है नो सर्विस में फ़ोन, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कम्प्लीटली मैं गाइड करने वाला हूँ, वो भी फुल डिटेल्स में। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक रेडमी 8 फ़ोन है, जिसमें कि मैंने सिम कार्ड लगा चुका हूँ, बट फिर भी इसमें हमारा नो सर्विस का दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास नो सर्विस में आता है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दो तीन चीज़ को चेक करना है। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क्स में जाके हम यहाँ से मैन्युअली लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, फ़ोन को बिना खोले पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी हमारे पास लिस्ट नहीं बन रहा है इस मॉडल में। तो बैक आएंगे, उसके बाद आपको जाना है प्रीफेर नेटवर्क टाइप में और आपको यहाँ पे मोड चेंज करके देखना है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे मोड का कोई भी हाईलाइटेड यहाँ पे नहीं है, जैसे कि जो हमारा वार सेलेक्टेड रहता है ना, कोई भी हमारा यहाँ पे सेलेक्टेड ही नहीं है, बिल्कुल हाईलाइट ही नहीं हो रहा है कोई भी हमारा 2G 3G 4G। और कभी कभी इन केस क्या होता है ना कि कोई मान लो कि आपका प्रीफेड 4 LTE पे ही बस हाईलाइटेड, अगर आप उसे 2G पे करो तो वो 2G पे भी नहीं होगा। लेकिन बट जो हमारे पास ये फ़ोन है बिल्कुल किसी पर हाईलाइटेड नहीं है, बिल्कुल मोड यहाँ से चेंज नहीं हो रहा 2G 3G 4G। अगर आपके पास इस कंडीशन में फ़ोन आता है, आपको डायरेक्टली अटैक कहाँ पे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो ये फ़ोन हमारे पास किसी दुकान भाई से आया है, जो कि उन्होंने बहुत इस पर ऑलरेडी जो नहीं करना था वो भी उन लोगों ने कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नेटवर्क वायर निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट जम्पर किया हुआ है। तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ, पहले मदरबोर्ड को PCB से बाहर कर लेता हूँ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से जो शोल्डर है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और मैंने इसमें एयरटेल का सिम कार्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने बोर्ड में से सारे कैमरे वगैरह जो भी पार्ट्स थे रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे काम पहले एक बार ना इस कंडीशन में अगर हमारे पास फ़ोन आए तो पहले तो बोर्ड को अच्छे से क्लीन करके हम एक बार मदरबोर्ड का कंडीशन देखें कि हो सकता है जो पहले बंदे ने अगर कोई भी काम किया हो उस पर, तो हो सकता है कोई कंपोनेंट वगैरह मिसिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है, अगर कोई फ़ोन पर ऑलरेडी पहले से अगर काम किया हुआ है तो सबसे पहले आप कॉम्पोनेंट पर ध्यान देना कि कोई कॉम्पोनेंट कहीं पर मिसिंग तो नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी WTR चेंज हो चुका है पहले से, तो मैं एक बार WTR की कंडीशन देख लेता हूँ वो अच्छे से लगा है या नहीं लगा है। तो जहाँ तक WTR मेरे को लग रहा है अच्छे तरीके से लगा हुआ है, ऑलरेडी किसी ने इसका WTR चेंज कर रखा है। तो एक बार पहले तो मैं अच्छे से मदरबोर्ड को पूरे देखूँगा कहीं से कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट इस पर आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बताऊँगा। अगर आपके पास इस कंडीशन में आता है कि आपका मोड चेंज नहीं हो रहा है, या फिर किसी एक पे मोड हाईलाइटेड है बट वो 2G से 3G 4G नहीं जा रहा है, या फिर किसी पे भी हाईलाइटेड नहीं है, अगर आपके पास इस कंडीशन में फ़ोन आता है रेडमी 8, 8, 8 ड्यूअल, तो आपको डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर आज बताने वाला हूँ, बिल्कुल वन शॉट हम रिपेयर करेंगे। तो मैंने जहाँ तक मदरबोर्ड की कंडीशन देख लिया हूँ, यहाँ से कोई भी कॉम्पोनेंट हमारा मिसिंग नहीं है। अब हम डायरेक्ट जो हमारा काम का प्रोसेस रहेगा वो करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड को ज़रा देख लेते हैं कहीं पे फूला बूला तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि लग रहा है कि इसका जो शील्ड है निकाला हुआ वो SMD से निकाला हुआ है शील्ड। तो हम इसे अच्छे से एक बार मदरबोर्ड को भी देखें, क्योंकि रेडमी 8 का बोर्ड बहुत मदरबोर्ड भी फूलता है, तो अगर आप इसका शील्ड निकाल रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से निकालें, हो सके तो आप डायरेक्ट कटर से ही निकालो, यहाँ पर SMD का यूज ना करो। तो अब हमें डायरेक्ट अटैक करना है हमें इसका 4G PFO पे, जैसा कि जो कंडीशन हमने देखा मोड चेंज नहीं हो रहा था वो इस मॉडल में ज़्यादातर दिक्कत यहाँ से आते हैं। तो वन शॉट में हम इसे यहाँ रिपेयर करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करेंगे इसका GR वगैरह, अगर GR सही होगा तो क्या प्रोसेस करेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये पत्रा हमें अच्छे से निकालना है, क्योंकि अगर कटर से आप निकाल दो तो इसमें बहुत सारे साइड से प्रिंट डैमेज हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितने अच्छे से हम इसका जो शील्ड है वो निकालें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस कटर से कट करूँगा कि मेरा जो इसमें स्क्रैबर है वो बस इसमें इन हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल कटर की सहायता से थोड़ा सा कटर को कट करूँगा बस,
और फिर मैं इसमें जो हमारा स्क्रैपर है वो डाल के सिंपली से हम निकाल लेंगे। तो स्क्रैपर या ट्वीजर की मदद से हम इसका शील्ड निकालेंगे फुल्ली। तो मैं यहाँ पे भी इसका पत्रा कट कर रहा हूँ। तो ये देखो थोड़ा मेरा पत्रा कट हो गया, बस थोड़ा सा जो हमें होल करना था इसके अंदर वो होल हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जो मदरबोर्ड के ऊपर शील्ड लगे हैं उसके चारों साइड में फ्लक्स लगा के और हल्की हल्की पीपीडी लगा के चारों साइड को, देख रहे हो मैंने चारों साइड इसका पीपीडी लगा दिया हूँ। और यहाँ थोड़ा थोड़ा रंगा लगाऊंगा चारों साइड में, चारों साइड पे हल्का हल्का रंगा लगाने से क्या होता है कि हमारा जो बहुत लूजनेस आ जाती है इसमें वो हल्का हीट पे ही रिमूव हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे भी हमारा शील्ड निकल जाएगा, बोर्ड फूलने और डैमेज होने का कोई भी चांस फिर हमारा नहीं रहता। बिल्कुल मैं ये वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल मोड पर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल हर एक चीज़। जो नए हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो ये होने वाला है। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर किन्हीं भाई को अगर हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चारों साइडों से हल्की हल्की हमें बस पीपीडी लगा देनी है, या फिर शोल्डर भी आप यूज कर सकते हो। तो हमने इसमें चारों तरफ से इसमें रंगा लगा लिया। अब बिल्कुल इसे मैं स्टैंड पे फिक्स करके और बिल्कुल लो हीटिंग पे इसे मैं निकालूंगा। 300-320 के हीटिंग पे अभी ये प्लेट हमारा निकल जाएगा, क्योंकि जिसकी मदरबोर्ड होती है ना बहुत ही नाजुक होता है, और ज़्यादा अगर हम इस पर हीट दे के निकालते तो बोर्ड हमारा फूलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल कोई भी ना फास्ट किया हो ना स्किप किया हूँ, बिल्कुल से एकदम इजीली स्टेप बाय स्टेप काम किया हूँ जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी तक जिन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे ओनली हाई हाई क्वालिटीज़ की वीडियो मिलेगी आपको, क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो मैं जो भी रिपेयरिंग का वीडियो बनाऊँगा वो क्लास में बिल्कुल स्टूडेंट्स के सामने लाइव रहेगा। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बस हीटिंग को 320 पे रखा है और 320 की हीटिंग पे भी ये प्लेट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ से प्लेट निकल चुका है बिल्कुल ईजिली। तो ये हमारा है 4G PFO। तो बस इस 4G PFO को चेक करने के लिए एक साइड में आपको फ़ोटो मिल रहा होगा, आप वो फ़ोटो देखे पहले ये दो जगह पे बस कूल टेस्टिंग कर लेना। अगर वहाँ पे GR आपका 300 से 600 के बीच में अगर रीडिंग आता है तो ये लाइन आपका ओके है, 4G PFO आपका ओके है, बस आपको हीट देना है। तो ये वीडियो में थोड़ी सी जो एक हमारी क्लिप थी ये 4G PFO चेक करने का, वो पता नहीं कैसे इनक्रप्ट हो गया वो मेमोरी कार्ड में। तो मैं इसे जो डाइट, क्योंकि ये 4G PFO हमारा कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो आपको जो साइड में पिक मिला होगा बस ये दो जगह पे आपको GR चेक कर लेने हैं। अगर आपका रीडिंग 300 से 600 के बीच में तो ये हमारा 4G PFO सही है। अगर किसी एक पे भी शॉर्टिंग आता है तो आपका 4G PFO शॉर्ट है, बट इसमें हमारा 4G PFO शॉर्ट नहीं था। आप दो जगह पर जो आपको पिक देख रहे ना उस पर आपको GR चेक कर लेना। तो ये दोनों जगह पर हमारा GR सही था, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 4G PFO को ना बस हल्का सा हीट दे के इसे मूव करा के हल्का प्रेस करके यहाँ पे दबा देंगे, क्योंकि ये हमारा 4G PFO ड्राई सोल्ड हो जाने के कारण ये दिक्कत हमारा मोड चेंज वाला दिक्कत आ जाता है। तो बस इसे मैं 350 की हीट पे बस इसे हल्का मूव कराया हूँ और ऊपर से मैं हल्का इसे प्रेस करके बस दबा दूंगा, ये काम हमारा हो गया यहाँ से क्लियर।
अब फ़ोन में चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क बना या नहीं बना, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और वो फ़ोटो को चेक करके ज़रूर से, जो आपने मदरबोर्ड जो ऊपर में आपने फ़ोटो देखा, वो फ़ोटो देख के ज़रूर GR को पहले चेक करके ही काम करें, क्योंकि कई कदार क्या होता है, हमारा 4G PFO शॉर्ट भी हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कम्प्लीटली यहाँ से बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और मैं इसे क्लीन कर चुका हूँ। अब सीधा मैं फ़ोन में लगा के इसकी GR चेक कर लूँ, सॉरी मतलब नेटवर्क सिम कार्ड लगा के इसका नेटवर्क चेक कराता हूँ। तो यहाँ से नेटवर्क सेक्शन बिल्कुल क्लियर हमने कर दिया है। अब बोर्ड में लगाता हूँ और सिंपली मैं चेक करूँगा इसके नेटवर्क्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ये फॉल्ट आप ज़रूर बता रहा, अगर आप WTR चेंज कर करके थक गए हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही फ़ोन पे कोई काम करें कि आपको डेट किस सेक्शन पे काम करना है। अगर आपके फ़ोन में नोड सर्विस है तो सबसे पहले लिस्ट बना कर देखें, अगर लिस्ट नहीं बन रहा है तो सबसे पहले मोड को चेंज करके देखें, अगर मोड चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम 4G PFO पे काम करेंगे इस वाले मॉडल में। तो फ़ोन को हम ऑन होने देते हैं। मैंने वीडियो को कहीं पे कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हूँ, बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैंने शूट किया हूँ, जैसे आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो आप देख सकते हो कि फ़ोन हमारा कम्प्लीटली चालू हो गया है और ऊपर में एक नेटवर्क भी हमारा आ चुका है, क्योंकि ये फ़ोन हमारा अभी खुला हुआ है, पूरा कंप्लीट इसका पैनल नहीं लगा हुआ है कि ये फुल नेटवर्क आएगा। तो अभी मैं इसमें हल्का पीछे ट्वीजर लगा के भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक नेटवर्क आ गया है जो हमने एयरटेल का सिम कार्ड लगाया था। और यहाँ पे देखिए नेटवर्क जो कि पहले हाईलाइटेड ये नहीं हो रहा था, अब हाईलाइटेड भी हो गया। अब यहाँ से मोड भी चेंज हो रहा है, हमने 2G पे किया, ये 2G पे भी आ गया। अब ये मोड भी यहाँ से सक्सेसफुली चेंज होना शुरू हो गया है। अब चलिए इसमें देखते हैं, पीछे से थोड़ा ट्वीजर लगाएंगे इसके एंटीना पे और चेक करेंगे कि हमारा कम्प्लीटली नेटवर्क आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे में एंटीना पैड पर आपको ट्वीजर लगाने, हमने एंटीना पैड पर ट्वीजर लगाता हूँ थोड़े अच्छे से, हमने ट्वीजर लगाया और यहाँ पे देख सकते हो कि फुल्ली नेटवर्क हमारा आ चुका है फ़ोन में, वो भी 4G वोल्टी सारा कंप्लीटेड। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल पे बने रहें। अब आगे से हम जो भी हार्डवेयर का वीडियो कुछ टाइम्स के बाद जनवरी से जो भी वीडियो आएगी हमारी क्लास में बिल्कुल लाइव फुल डिटेल के साथ आएगी। तो हमारा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है जनवरी से, अगर किन्हीं भाई लोग को हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप हमसे